पर्यावरण के बगैर जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए पर्यावरण को सहेजना वक्त का तकाजा है और ये तभी हो सकता है जब हम और आप इसके प्रति सचेत हो जाएं। जल, जंगल और जमीन पर न सिर्फ हमारा जीवन बल्कि पूरी कायनात टिकी हुई है। सूखी प्यासी धरती पर बादल तभी मेहरबान होते हैं जब इस पर हरे भरे पेड़ झूमते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिसके बगैर जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन इंसान ने अपने तात्कालिक फायदे के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की। जिससे बादल रूठ गए और धरती पर अकाल के हालात पैदा होने लगे। कई इलाकों में इंसान बूंद बूंद पानी के लिए मारा मारा फिर रहा है। जानकारों की माने तो पानी की किल्लत तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है, इसलिए जंगलों को बचाना बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ लोग चंद पैसों की लालची खातिर पूरे अस्तित्व को ही दांव पर लगा देते हैं। कटते जंगलों से हिमाचल के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। इससे पर्यावरण को तो खासा नुकसान हो ही रहा है। दुर्लभ जड़ी बूटियां भी खत्म हो रही हैं। लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। जंगल की आग न सिर्फ करोड़ों की वन संपदा को तबाह कर रही है बल्कि दुर्लभ पशु पक्षी भी बेमौत मारे जा रहे हैं। इस पीरियड में जो फॉरेस्ट फायर लगती है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खास करके नए बच्चों का, जो चिड़ियां हैं उनके, खासकर पक्षियों का, और जो जड़ी बूटियां पनपने की कोशिश कर रही हैं बर्फ़ गलने के बाद। और अगर ऐसे फायर्स जो हाई अल्टीट्यूड के जंगल में लगते हैं, देवदार के या बान के या रईतोष के, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जैव विविधता का। आइए एक नजर डालते हैं हाल फिलहाल जंगलों में लगी आग पर। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिनों में ही आग लगने के 319 नए मामले सामने आए हैं। आग से अब तक 3,424.10 हेक्टेयर वन क्षेत्र तबाह हो चुके हैं। 563.88 हेक्टेयर में लगे नए पौधे भी भस्म हो चुके हैं। वन विभाग को 4,39,00,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हानिकारक है, कोई भी धुआं निकले, विश्व तो एक ही है, ग्लोब तो एक ही है, तो जो भी धुआं निकलता है इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुदरत ने इंसान को तमाम नेमतों से नवाजा है लेकिन इंसान ने उन नेमतों को तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जल, जंगल और जमीन के अंधाधुंध दोहन की कीमत हम आए दिन चुकाते रहते हैं। दोहराने की जरूरत नहीं कि अगर हम अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन पौधे लगाकर इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाया जा सकता है।